हेलो डियर स्टूडेंट, आपका नीट का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और जिन बच्चों का मार्क्स थोड़ा सा इस बार कम भी रहा है उनको भी MBBS सीटें मिलने की पूरी चांसेज हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस बार आपका टोटल जो है लगभग 10,000 के आसपास सीटें MBBS की बढ़ रही हैं। और ये कोई ऐसे नहीं, आपका पूरा प्रॉपर NTA की वेबसाइट पे उन कॉलेजों के नाम पूरे आए हैं। लेकिन यहाँ पे अब क्वेश्चन ये आ रहा है बच्चों का कि जो 10,000 सीटें बढ़ी हैं तो क्या वो सारे गवर्नमेंट सीटें बढ़ी हैं या वो प्राइवेट सीटें भी हैं उसके अंदर। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट सीटें नहीं है, इसके अंदर प्राइवेट सीटें भी हैं और ये प्राइवेट सीटें जो है लगभग 9,000 के आसपास है और 1,000 के आसपास सीटें जो है वो MBBS की जो बढ़ी हैं वो गवर्नमेंट सीटें बढ़ी हैं। तो ये कन्फ्यूजन आपका पहला दूर होता है। दूसरा आपके लिए खुशखबरी NTA ने ये दिया है कि आपको एक क्वेश्चन फिजिक्स का जो है जिसको बोनस आपका दिया जाएगा, 5 मार्क आपको बोनस मिलेगा। तो ये नीट में एक क्वेश्चन या 5 मार्क आपका बोनस रहेगा, जहां से आपके लिए ये दूसरा गुड न्यूज है। तीसरा कि इस बार के अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि टोटल कितने कॉलेज हैं, कैसे हम काउंसलिंग कराए और सीटें अब कितनी हो रही हैं। तो टोटल जो MBBS के कॉलेज हैं वो 689 कॉलेज हैं इस बार, जिसके लिए आप नीट की काउंसलिंग कराएंगे और टोटल MBBS की जो सीटें हुई हैं वो 1,35,083, सॉरी 1,03,583 सीटें आपके पास यहाँ पर MBBS की इस बार काउंसलिंग के लिए अवेलेबल है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस बार जो बच्चे, कम से कम 10,000 बच्चे और हैं जो कि MBBS में डायरेक्ट इंडिया में अपीयर हो सकते हैं, और सभी पेरेंट का ये सपना होता है कि हमारा बच्चा हमारे देश के अंदर ही MBBS करे। बाकी MBBS की काउंसलिंग कैसे कराएंगे आप, प्राइवेट के कॉलेज की काउंसलिंग के लिए क्या करना होता है, क्या क्या उसके सर्टिफिकेट्स लगते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रॉपर मिलता जाएगा। और किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1,000 सीटें तो आपकी ऑलरेडी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से कट ऑफ भी हमने डिस्कस किया है नेक्स्ट वीडियो में कि कट ऑफ आपका थोड़ा सा पहले से कम होगा। वो कम इसलिए होगा क्योंकि सीटें आपकी थोड़ी सी इंक्रीज है, इसलिए नहीं होगा कि आपका नंबर, सॉरी पेपर जो है आपका क्या है वो टप आया है या इजी आया है, उसका रीजन सिर्फ सीटों का इंक्रीमेंट होगा। थैंक यू।